हेलो बच्चों बच्चों, आप कैसे हो? आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम हमारे पाठ दोस्ती का अभ्यास के अंत प्रश्न, एकदम शेष प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे पाठ में आए पशु पक्षियों को पहचान कर उनके नाम लिखो। हम निकालते हैं पहला प्रश्न, पहला पन्ना, जिसमें हमें काफी सारे पशु पक्षी देख सकते हैं। देखिए, ये जो पहला पन्ना है इस पाठ का, इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो काफी सारे पशु पक्षी हमें दिखेंगे। तो चलिए बच्चों, इनके नाम लिखना शुरू कर देते हैं। एक-एक देख देखकर हम इनके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ खरगोश, फिर हमें हाथी तो दिख रहा है, ये जरूर हाथी का नाम लिखेंगे, हाथी के लिए ही ये पूरा पार्ट है कि नहीं? फिर हम लिखेंगे कछुआ, हम लिखेंगे फिर चूहा, ओके चूहा हो गया, हम लिखेंगे गिलहरी, आगे बढ़ते हैं गिलहरी, पक्षी, पक्षी भी है, अभी कौन सी पक्षी है ये तो पता नहीं है, चिड़िया, ओके यहाँ पे चिड़िया का भी चित्र दिया है पर यहाँ हमें चिड़िया समझ में नहीं आ रही है। चलिए हम चिड़िया लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अभ्यास में हमें चिड़िया दिया हुआ है तो हम लिखेंगे चिड़िया। ठीक है, और तो हमें और कोई जानवर नहीं दिख रहे हैं, हमने सबका नाम लिख लिया है। अच्छा ठीक है, इधर खरगोश, कछुआ, चिड़िया, गिलहरी, अच्छा चूहा लिख लिया हमने, चूहा दिख गया, और नया कोई जानवर नहीं दिख रहा है, हाथी लिख लिया, बस छह जानवर हमें यहाँ दिख रहे हैं, हमने छह जानवर के नाम लिखे हैं। और बच्चों आप भी इसे लिख लीजिए, खरगोश, हाथी, कछुआ, चूहा, गिलहरी और चिड़िया। और इस अभ्यास को लिखने के साथ साथ आज हमारा हिंदी का शेष पाठ जो था दोस्ती, उसे हमने खत्म किया है, पूरा किया है। अगर आपको कोई भी तरह की मुश्किल है तो आप ज़रूर से ज़रूर टीचर को पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। हम लाइव क्लास में ज़रूर इस बारे में चर्चा करेंगे, अगर आपको कोई भी इसमें तकलीफ है, मुश्किल है, आप ज़रूर टीचर को बताएं। तो बच्चों घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।